ये क्या है? ये सरकार की विफलता है। अब उसमें जातिगत राजनीति का तो आप उसमें चौका दीजिए, जातिगत राजनीति को उसमें हवा दीजिए, इसमें यादव और ब्राह्मण बना दीजिए, पर ये पूरी योगी सरकार फेल है। अगर वो सही सीमांकन पहले हो जाता, अगर वो तहसील में मुकदमे का निस्तारण हो जाता, तो आज देवरिया के अंदर 6 मासूम लोगों की हत्या नहीं। कभी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही प्रयागराज की फुलपुर लोकसभा सीट से क्या फिर गांधी नेहरू परिवार से पार्टी प्रत्याशी उतरेगा, इस कयास को लेकर कांग्रेस में उम्मीदें बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर विचार मंथन करने आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस बात के संकेत दिए हैं। यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य को अपने परंपरागत सीट फुलपुर लोकसभा से टिकट देने पर एक कदम और आगे बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में इसे लेकर संकेत देते हुए कहा कि फुलपुर और प्रयागराज लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से चुनाव लड़ने पर पार्टी का फायदा होगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। इलाहाबाद जहां हम आज हैं, ये प्रयागराज, ये परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है, फूलपुर को परंपरागत सीट रही है, कौन सी सीट कांग्रेस के साथ नहीं रही है। और ये गांधी नेहरू का परिवार है जो अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है, और ये निश्चित तौर से ये हमारी उत्पत्ति यहाँ से है, तो ये हमारी सीट है, हम यहाँ से जीत। निश्चित तौर से जहाँ पे डिमांड किया, जहाँ इन्होंने मांगा है, वहाँ हम सब लोग, हमारी नेता निश्चित उसे विचार कर रही है और हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला था, क्या यूपी में भी इस तरह की कुछ यात्राएं चलने वाली? यात्रा इन्होंने जो 42-45 किलोमीटर की यात्रा की, आज हिंदुस्तान एकमात्र ऐसे जन नेता है, राजनेता है, जिन्होंने इतनी लंबी पद यात्रा की है, और निश्चित तौर से पूरी तरीके से पूरे देश का जन समर्थन राहुल गांधी के साथ खड़ा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले प्रयागराज में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को फुलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए शहर में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए थे। इन पोस्टर और बैनर के जरिए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग की थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की परंपरागत सीट फुलपुर से इस बार टिकट दिया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इसी मांग को एक कदम और बढ़ते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने इस तरफ संकेत किया है। अजय राय ने प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगम स्नान करने के बाद मंदिर में पूजन किया और उन्होंने 2024 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का दावा किया है। अजय राय का कहना है कि बीते लोकसभा चुनाव 2019 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस में 2024 में लाने जा रही है। उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र का हत्यारा तक कह डाला। जैसे लोग, मैं समझता हूँ अभी इनके अपने गृह जनपद कौशाम्बी में लगातार इनके लड़के और इनके द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है, लगातार अत्याचार अन्याय जनता के साथ कर रहे हैं। अभी दलितों की 3 हत्याएं इनके यहाँ जिले में हुई, लगातार घटनाएं घट रही हैं। इनके अपने गृह जनपद की बात कर रहा हूँ, यहाँ के रहने वाले, जहाँ से ये मंत्री और MLA हार गए चुनाव, उसके बाद भी कृपा दया पे मंत्री बने हैं, डिप्टी CM बने हैं, ये लोग लोकतंत्र के असली हत्यारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में, इसको उखाड़ना तो कांग्रेस को इसको है, कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे इनको। और ये हमारी बात अपने मुंह से वो बोल रहे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को 2400 जनता उखाड़ कर फेंक देगी, जनता फेंकेगी। पहले मैंने कहा वो अपने अंदर झांके, अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। मैं समझता हूँ पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी फेल है, और केशव मौर्य तो इसीलिए वहाँ की जनता ने पूरी तरीके से इनको हरा दिया। प्रदेश अध्यक्ष का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसकी निंदा करते हैं हम, निश्चित तौर से ये घटनाएं जो घट रही हैं, जिसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, भाषण करते हैं। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर अजय राय ने कहा कि ऐसी घटना का कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। इसराइल और गाजा पट्टी में आम जनजीवन सामान्य हो, ऐसी कामना उन्होंने मां गंगा से की है।